गाइस आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप घर पे ही बैठ के आप अपने मोबाइल में जो जियो फोन है, जो कोई भी मॉडल है दोस्तों, आप अपने घर में जो आपके मोबाइल में क्या होता है, कभी कभी जो मोबाइल हैंग हो जाता है और बटन से काम नहीं करता, ये आप लोग घर में बैठ के किस तरीके से इजीली आसानी से अपने मोबाइल से ही ठीक कर सकते हैं, ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप घर में ही अपने मोबाइल को ठीक करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखते रहे, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आप लोग नहीं कर सकेंगे। तो मैं फ्री में आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ, तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के जो वीडियो है शुरू करते हैं। दोस्तों बिना टाइम गवाए मैं आप लोगों को सीधा मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर जो है लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों अभी आप लोगों को क्या होता है कि मान लीजिए आप लोग ये बुतम जो इसके जो बटन्स है, अगर आप कभी जो यूज़ करते हैं ठीक से काम नहीं करता और जो है बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है, तो इसके एक सोल्यूशन है जो आप लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को मेन्यू में चले जाना है। मेन्यू में चले जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को मिलेगा सेटिंग, मोबाइल का जो सेटिंग है आपको बिल्कुल वहां पर चले जाना है। तो मैं यहां पर मोबाइल के सेटिंग में चले जाता हूं। मोबाइल के सेटिंग में चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के नज़र आएगा। तो आपका जो इधर का जो बटन्स है आप देख सकते हैं, मेरा ये वाला जो बटन्स है आपको यहाँ पर प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आएगा स्टोरेज डिवाइस, तो डिवाइस एंड स्टोरेज में चले जाने के बाद मतलब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नीचे चले जाना है। ठीक है, तो नीचे का बटन्स यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा रिसेट फ़ोन। तो क्या करना है, आप लोगों को रिसेट फ़ोन में क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को रिसेट जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, तो ये वाला जो जियो का ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। तो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये बिल्कुल जो ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाने के बाद तुरंत बाद जो इसे कुछ इस टाइप का आ जाएगा आपके सामने, तो इसे जो है आप लोगों को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। ठीक है, अगर कट कर देते हैं तो आपका फ़ोन जो रिसेट नहीं होगा। तो दोस्तों इसे होने देते हैं, होने देने के बाद इसे आप लोगों को ओपन होने देना है। आप लोगों को बैटरी खोल के नहीं खोलना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसे होने देते हैं। तो होने के लिए आप लोग कम से कम एक मिनट से या दो मिनट लगेगा, तो आप लोग को तब तक जो है वेट करते रहना है। तो हम इसे ओपन होने देते हैं। दोस्तों इसी खुशी में जो है आप अभी तक लाइक नहीं किया तो 4G की स्पीड से जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा जो मोबाइल जो अभी ओपन होने वाला है, तो ओपन होने के लिए देते हैं। आप लोगों को दोस्तों बैटरी को मोबाइल से नहीं निकालना है, तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खोल के नज़र आएगा, तो आपका जो भी लैंग्वेज है आपका, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लीजिए और यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आपका जो मोबाइल जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आप लोग जो है हैंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग फिर से जो नए आप लोग जब नए फ़ोन खरीदे थे उसी तरीके से जो है आप लोग फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।